हाय फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं एक मूवी का ट्रेलर और इस मूवी का नाम है गुमनामी। और ये मेरे ख्याल से, जहां तक अब हमने ट्रेलर नहीं देखा हुआ, हमें इस मूवी के बारे में नहीं पता, पर जब हमें ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसको देखो ट्रेलर को, तो उससे मुझे थोड़ा हिंट मिला कि जो ये ट्रेलर है ये सुभाष चंद्र जी बोस के डेथ के ऊपर है, जो उनकी मिस्ट्री है कि उनकी डेथ कैसे हुई, क्योंकि कईयों का मानना है कि वो मरे नहीं थे, जो कि न्यूज में आ रहा था कि उनकी डेथ प्लेन क्रैश से हुई है। कईयों ने कहा कि नहीं, उनकी प्लेन क्रैश से नहीं हुई, वो अभी भी जिंदा हैं, अलाइव हैं। और मुझे ये भी याद है कई जगह पे ये भी रूमर था कि अगर ये जो ये प्लेन क्रैश हुआ है ये कराया गया है, ये नॉर्मल प्लेन मैल फंक्शन से नहीं हुआ था, उसमें बॉम्ब शायद रखा हुआ था, उस वजह से हुआ। तो काफी उनकी डेथ के ऊपर इस टाइप का डाउट था। और इससे पहले कि हम और बातें करें, हम पहले देखते हैं ये ट्रेलर और उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे। सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शाने हिंद आ गए। नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई, आपको तो स्क्रीन पे रह कर होना चाहिए था। इस तरह की आलतू फालतू थ्योरीज में कमीशन को वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही मायने में सारे आजाद हिंदुस्तानियों का सरनेम बोस ही है, क्योंकि वो सारे बोस परिवार के सदस्य हैं। एक साधु नेताजी जैसे एक नेशनल हीरो के बारे में लोगों का वो कैसे बेवकूफ बना सकता है। मैं आपको अपनी थ्योरी बताऊंगा, साथ में सबूत और गवाह दोनों पेश करूंगा। अगर आप मुझसे सहमत नहीं होते तो कोई बात नहीं। Officially comes to an end. क्या दोनों की आवाज एक है? आप पागल हो चुके हैं। मैंने कहा ना, मैं नहीं कर सकता, मैं सुभाष जी नहीं हूँ। बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, बहुत सुंदर गाना है। कौम की तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। क्या पानी पियेंगे? मुझे पानी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। आप इसे एक पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं मिस्टर थर। कौन सी पार्टी के सदस्य हैं आप? मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं मिस्टर पॉल, आजाद हिंद फौज का सिपाही हूं। नाम तो सुना ही होगा आपने, या कोई दूसरा कमीशन चाहते हैं आप? सेकेंड ऑक्टूबर। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल वही जैसे हमने सोचा था कि ये उन्हीं की डेथ के ऊपर स्टोरी है, जो मिस्ट्री उनकी डेथ के साथ रिलेटेड है। और इसको देख के मुझे ताशकंद फाइल जो हमने देखी थी, पहले हमने ट्रेलर देखा था आपकी सजेशन से और हमें इतना अच्छा लगा था कि हमने उसके बाद मूवी भी उसी टाइम उसको देख के ट्रेलर को इमीडिएटली देखी थी। तो बिल्कुल उसी की तरह से वही स्टोरी टाइप उन्होंने इसमें बनाया है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे मिस्ट्री थी शास्त्री जी की डेथ की और यहाँ पे मिस्ट्री है सुभाष चंद्र बोस जी की। तो बहुत ही सुंदर ट्रेलर है और इसमें मेरे को दोनों ट्रेलर्स में, और ये सब देख के मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि दोनों में कई लोग ऐसे हैं जो रिजिस्ट कर रहे हैं कि ये जो है इसके ऊपर, कि उनकी डेथ की मिस्ट्री के ऊपर और छानबीन की जाए, उसको रिजिस्ट कर रहे हैं। मतलब जो भी आदमी खड़ा होके बोल रहा है कि हाँ हमें इसके ऊपर पता करना चाहिए, ये इसमें कमीशन बिठा के अच्छी तरह पता करें, तो उसी कमीशन के अंदर ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो रिजिस्ट कर और कह रहे नहीं ये बेकार की बात है। वहां ताशकंद फाइल में भी यही हो रहा था और इस ट्रेलर में भी यही हो रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोई भी हिंदुस्तानी कैसे बोल सकता है कि भाई ये पता करना ये बेकार है, कंफर्म्ड है कि उनकी डेथ जो थी मिस्ट्री नहीं थी, उनकी नॉर्मल डेथ थी या प्लेन क्रैश से उनकी डेथ थी। क्योंकि कोई भी हिंदुस्तानी जो ट्रू हिंदुस्तानी होगा, अगर 0.5% या 0.0009% भी कोई डाउट हो तो वो बोलेगा कि हाँ
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है ऐसा देख के कि कोई इस टाइप के लोग भी हो सकते हैं जो कहते हैं कि नहीं इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। पर डेफिनेटली हमें पता है कि काफी इनकी डेथ, सुभाष चंद्र जी बोस की डेथ के ऊपर बहुत सवाल उठे हुए हैं और अनआंसर्ड हैं, बहुत डाउट्स हैं। और ये ट्रेलर देख के तो अगेन मुझे फिर से इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि जैसे हमें ताशकंद फाइल मूवी के बारे में बिल्कुल कोई पता नहीं चला, वैसे ही ये सुभाष चंद्र जी की ये बोस की जो ये मूवी है गुमनामी, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं आया। वैसे आप कोई और मूवी देख लो तो इतना वो आती है उसकी पब्लिसिटी, उनके रिलीज होने से पहले टीजर आएंगे, फिर कितने सारे ट्रेलर्स आएंगे, फिर उनके हर सॉन्ग के ऊपर एक एक उसका वो भी रिलीज होगा, तो और साथ में फिर वो टॉक शोज में भी जाते हैं, वहां पे भी अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। और इतनी अच्छी मूवीज जैसे ताशकंद फाइल और ये गुमनामी, इतनी बढ़िया मूवीज, इनकी कोई पब्लिसिटी ही नहीं हो रही, कुछ पता नहीं चल रहा हम जैसे लोगों को जो देखना चाहते हैं ये मूवीज। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और साथ में गुस्सा भी आता है कि ऐसी मूवीज को तो इतनी पब्लिसिटी मिलनी चाहिए कि हर हिंदुस्तानी को पता चले कि ऐसी मूवी आ रही है। तो अब अगेन हम मिस कर दिया, हमने ये 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और हमें पता तक नहीं चला। पर फॉर्चुनेटली हमारे पास आप जैसी इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली है जो हमें अवेयर करा रही है कि इतनी अच्छी मूवीज आई हैं, तो हम एटलीस्ट मिस नहीं कर रहे, क्योंकि ताशकंद फाइल भी आप ही के सजेशन से हमें पता चली और अब हमें ये गुमनामी भी पता चली है। तो इसके बाद हम इमीडिएटली चेक करेंगे कि क्या ये हमें अवेलेबल हो पाती है, और अगर हो गई तो आज तो मुश्किल हो जाएगा, पर कल डेफिनेटली हम ये मूवी देखेंगे अगर हमें मिल गई तो। बहुत ही सुंदर मूवी है और डेफिनेटली हर हिंदुस्तानी के दिल में, दिमाग में ये क्वेश्चन होगा और वो पता करना चाहता है कि सच्चाई क्या है। बहुत ही बढ़िया वीडियो था और मूवी जरूर देखेंगे हम लोग, देखना चाहेंगे, क्योंकि इस टाइप की मूवीज जो हिस्ट्री को क्वेश्चन करती हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो अच्छे लीडर्स थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस हैं, जो कोशिश कर रहे हैं इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, सब के लिए मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, स्पाइस क्रिएट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से फंडिंग आ सके, मिलिट्री इक्विपमेंट आ सके, जिससे ब्रिटिश को हराया जा सके। उस तरफ मतलब आप महात्मा गांधी देखेंगे जो बोलेंगे नॉन वायलेंस है, तो ठीक है, एक लीडर नॉन वायलेंस जा रहा है, दूसरा लीडर चाहता है कि कुछ आर्मी होनी चाहिए ईंट का जवाब पत्थर करने के लिए। अब वो जो लीडर है वो कहाँ गए, वो लीडर जो है, सारे अच्छे लीडर क्यों गायब हो जाते हैं? जैसे आप देख रहे हैं शास्त्री जी दिखाया था उस मूवी में, शास्त्री जी को कुछ ना कुछ मिस्ट्री थी उनके डेथ के अराउंड, सिमिलरली यहां पर भी मिस्ट्री है डेथ के अराउंड, तो ऐसा क्यों होता है? अगर सुभाष चंद्र बोस उस वक्त आर्मी बहुत बड़ी बनाने में हेल्प करते, बड़ी कर देते, तो जब चाइना से वॉर हुई थी तो हो सकता है इंडिया आराम से चाइना को हरा देता और इंडिया आज चाइना से भी ज्यादा पावरफुल होता, आर्म्स में ज्यादा पावरफुल होता, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, मगर नहीं है। तो मतलब यही है हिस्ट्री में, किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ करके तो कुछ इंटरफेरेंस की होगी कि मिस्टर बोस जो थे वो मर गए। हमें पता कैसे नहीं मरे, इतना जरूर सुनते थे कि बर्मा गए हुए थे, फिर रशिया गए हुए थे, बहुत जगहों पे गए थे दूसरी कंट्री से कोलैबोरेट करके आर्म्स लाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए मिलिट्री को, उनका यही काम दिया था। और अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंस के बाद वो जिंदा होते उस समय में और बड़ी मिलिट्री होती, तो इंडिया बहुत ईजिली जो भी अटैकर्स होता उनको सॉल्व कर देता। और अगर आप उस वक्त देखें तो जम्मू कश्मीर की भी शायद प्रॉब्लम नहीं होती, कितनी स्ट्रांग होती इंडिया की, सब कुछ रिपेल कर सकती है झटके में। तो अब जो भी है, किसी ने कुछ तो इंटरफेरेंस किया है, क्योंकि अगर आपका आंसर नहीं है, परफेक्ट प्रूफ नहीं है, आंसर नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें इंफॉर्मेशन है जो नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने साल बाद ये ऐसी मूवी बना रहे हैं, ये तो मूवी बहुत पहले बननी चाहिए थी और लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि ढूंढो हुआ क्या है, किसी ना किसी ने छुपाया है, कहीं ना कहीं से जब जो जासूस पूरा इन्वेस्टिगेट करता है कहीं ना कहीं से पता मिलेगा, अगर कुरे देंगे तो सब कुछ मिलता है और अभी भी मिल सकता है अगर कोई दिलो जान से करने की कोशिश करे। अगर जो भी अथॉरिटीज हैं वो दिलो जान से लगे तो अभी भी इतनी इंटेलिजेंस से पता कर सकते हैं, अगर
चाहें। हाँ, क्योंकि जो छुपा के रखा है वो तो थक चुका होगा छुपा के, उसको भी होगा भी इंडिया में क्या रेलेवेंसी है, मगर हमें को हिस्ट्री को पता करना है। और जैसे बता रहे कि ऐसे कमेटियां बन जाती हैं, उस कमेटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, कुछ कुछ इसलिए आते हैं कि डिफीट कर सके कमेटी को, आगे ना बढ़ने दे, क्यों हर एक अपना मोटिव है। जैसे ताशकंद फाइल्स में देखेंगे हर एक का अपना मोटिव था, वैसे इसमें भी किसी का अपना हर एक का मोटिव है। किसी हिस्टोरियन ने एक बुक लिखी हुई है भाई ऐसे ऐसे मरे थे, उसने को सबूत डाल रखे हैं, वो पूरी कोशिश करेगा डिफेंड करने की अपनी किताब को, ताकि उसकी कप बिकती रहे किताब की। हाँ भाई हिस्टोरियन है जी, मैंने बहुत अच्छी हिस्ट्री लिखी है। तो ऐसे हर एक इंसान का कोई ना कोई मोटिव उसमें दिखाया था, इसमें लालच कोई ना कोई मोटिव होगा किसी इंसान का कि मतलब कमेटी को ना सक्सेसफुल होने दें। मगर जहां तक है बहुत ही अच्छी मूवी है, और आई होप कि जिन्होंने बनाई है उन्होंने बहुत रिसर्च करके बनाई होगी, को क्वेश्चंस निकाले होंगे जिनका आंसर अभी नहीं है, मगर एटलीस्ट वो लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं हम जैसों को, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कहाँ गए, वो क्यों। और ताशकंद फाइल में फोटो भी दिखाई, जिसमें दिखाया था कि वहां पे उनकी फोटो शास्त्री जी है और पीछे सुभाष चंद्र जी जैसे कोई खड़े हुए हैं, और उसमें उन्होंने कहा था कि, और कह रहे थे ना कि शास्त्री जी आके कुछ खुशखबरी बताना चाहते थे। हाँ, बहुत खुशखबरी बनाना चाहते थे, और लोगों के हिसाब से था कि वो खुशखबरी ये थी कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो जिंदा है, वो आके मतलब ये दिखाएंगे। तो मगर अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये बात ऑब्वियस है कि जो इंसान एक जबरदस्त मिलिट्री इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था वो मर जाता है, उसकी वजह से सब ठप हो जाता है। तो किसी ने चाल चली है कि कबाड़ा करने के लिए, क्यों अगर आज ये मिलिट्री होती तो इंडिया कहां से कहां पहुंचा होता, अगर इतनी मिलिट्री उसी उस जमाने में इतनी मिलिट्री अगर इकट्ठी हो जाती तो बहुत कुछ फर्क हो जाता। तो मेरे ख्याल से मूवी तो मस्ट है देखने के लिए, मस्ट है। और इससे ये भी पता चल रहा है क्योंकि दो ऐसी मूवीज बन गई हैं जिसमें दो ऐसे महान लीडर्स थे जो अपनी कंट्री के लिए अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे, उनको और कुछ नहीं था, उनको बस ये था, उनका एम था कि हमने अपनी इंडिया को टॉप का बनाना है। तो दोनों की जो डेथ है वो मिस्टीरियसली हुई, क्योंकि ऐसे दुश्मन थे देश के जो कंट्री को आगे बढ़ना महान बनना नहीं चाहते थे, उनके अपने कोई मोटिव्स थे, अपने कोई फायदे थे जो वो कंट्री से ज्यादा अपने आप को समझ रहे थे। और जैसे इससे मुझे याद आ रहा है कि जब हमने ताशकंद फाइल देखी थी तो उससे इनडायरेक्टली हमें पता चला था कि कौन इन्वॉल्व्ड था। तो होपफुली मैं यही होप कर रही हूं कि इस मूवी से भी कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ताकि हम जैसों की आंखें खुले और पता चले कि अंदर घपले करने वाले कौन ऐसे लोग थे। तो क्योंकि पिछली बारी जब मैंने देखा तो मुझे तो काफी हैरानी हुई थी वो बात पता करके उस मूवी के अंदर। तो अगर ऐसी कोई बात हो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि इंडियंस को पता चले कि एक्चुअली में कौन ऐसे लोग हैं जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो ये मूवी तो बहुत ही अच्छी लग रही है इस ट्रेलर से, तो हम तो जरूर देखेंगे। और अगर आपने देख ली है तो आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको देखने को मिली, और अगर आपने नहीं देखी तो आप भी जरूर देखना, और हम तो जरूर देखेंगे। तो वंस अगेन फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें ये सजेस्ट किया कि ये ट्रेलर हम देखें, क्योंकि अगर आपने नहीं सजेस्ट किया होता हमें इस मूवी के बारे में नहीं पता चलना था। तो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, एंड वंस अगेन अब हम चलते हैं और मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन Take care and bye-bye. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।